तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के वीडियो में बात करूंगा कोजी केयर क्रीम के बारे में। गाइस मैंने इस पर पहले से भी कई वीडियो बना रखी और इसके बारे में मैंने बता रखा है इसको कैसे क्या यूज करना है, कैसे क्या इसका लगाने का तरीका, इसको कैसे क्या हमारी स्किन पर सूट करना, सब कुछ मैंने डिटेल से सब कुछ बता रखा। फिर भी मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर इसका यूज करने का सही तरीका हमारे को बता दो, इसको कौन कौन यूज कर सकते हैं, ये सच में हमारी स्किन पर रियल दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, ये सारे सवाल मेरे पर आते हैं, ढेरों साल आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, कई ऐसे आते हैं। तो बस आज की वीडियो में बने रहना, आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसका यूज करने का सही तरीका, कौन कौन सी स्किन पर ये सूट करेगी, ठीक है ना गाइस। तो इस वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो पहले बता दो कोजी केयर क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसके अंदर बिल्कुल सेफ इनग्रीडिएंट्स यूज किया गया है जो हमारे स्किन के लिए सबसे बेस्ट माने गए, जो हमारे स्किन पर किसी पर कोई सेंसिटिव या रेडनेस स्किन है तो हमारी स्किन को और ज्यादा खराब नहीं करेगा, हमारी स्किन पर किसी पर कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर आपकी स्किन पर पहले से कोई साइड इफेक्ट या स्किन सेंसिटिव या स्किन रेडनेस है तब आप यूज कर सकते हो, आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट दिखा सकते हो, बाकी इसके अंदर ऐसे कोई इनग्रीडिएंट्स यूज नहीं किए गए जो हमारी स्किन पर बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगा। दो गाइस एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, हमने कई ढेरों सारी क्रीम यूज करने के बाद इस क्रीम का यूज करते तो हमारी स्किन पे ये रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिखाएगी, क्योंकि गाइस आपने कई स्टेरॉइड केमिकल क्रीमों का यूज करा है जिससे हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए हमारी स्किन पे अच्छा खासा रिजल्ट नहीं दिखाएगी। दो गाइस मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, कोजी केयर क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसके अंदर अल्फा आर्बुटिन यूज कर एक स्किन लाइटनिंग यूज करने वाला इंग्रेडिएंट्स है। कोजिक एसिड हमारे स्किन को गोरा बनाने में काफी तक हेल्प करता है। गाइस इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स इसलिए यूज किया इनके बारे में बता रहा हूं क्योंकि ये हर एक क्रीम में यूज किया जाता है और हमारी स्किन को अच्छा खासा गोरा बनाने में काफी हद तक फायदेमंद करता है। देखो गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप सोचते हो गाइस इसको कहाँ से क्या परचेस करना, देखो गाइस डिस्कशन में इसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ जगह आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। देखो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी स्किन पे ये सूट करने वाली, अगर आप इसको नॉर्मल स्किन पे यूज कर सकते हो तो आप नॉर्मल स्किन पे यूज करना चाहते हो तो आपकी स्किन पे अच्छा खासा इसका रिजल्ट दिखाएगा, आपकी स्किन पर पिंपल्स के धागे पर रह चुके हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम में यूज करते हैं, स्किन बिल्कुल ब्लैक है या स्किन को लाइटनिंग बनाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इन पर आप यूज कर सकते हो, आपकी स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट दिखाएगी, लेकिन रियल तो दिखाई गई लेकिन थोड़ा टाइम बाद दिखाई, ऐसा नहीं 2-3 दिन में आपकी स्किन पर रिजल्ट दिखाई दी, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा होता कि भाई ऐसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स वाली जो क्रीम होती है ना वो थोड़ा टाइम लेके ही रियल दिखाती है लेकिन वो परमानेंट रहता है, ऐसा नहीं 3-4 दिन में आपकी स्किन पे जो रियल दिखा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा टाइम वो रिजल्ट रहता है, ठीक है ना, रियल दिखा तो अच्छा खासा आपकी स्किन लाइफ टाइम तो वो रिजल्ट रहता है, ठीक है। स्टेरॉइड केमिकल वाली क्रीम होती है जिसके अंदर ये रियल तो दिखाता है लेकिन वो ऊपरी परत को गोरा बना देता है, अंदर तक जाकर कार्य नहीं करता, ये हमारी स्किन का अंदर तक जाकर हार्मोन को बढ़ाने के साथ साथ हमारी स्किन को मोटा बनाने में काफी तो फायदेमंद करता है, हमारी स्किन के मेलनीकरण को सुधारने में काफी तो फायदेमंद करता है। अब मैं बताता हूँ इसको कौन कौन सी यूज स्किन पे यूज मत करना, इसको सेंसिटिव रेडनेस स्किन पे यूज बिल्कुल मत करना नहीं तो आपकी स्किन पर किसी पर कौन सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स है तो आप इसको यूज मत करना, आपकी स्किन पे ढेरों सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इन स्किन पे अगर आप यूज करोगे तो आपकी स्किन पे अच्छा खासा रिजल्ट दिखाएगी, और जो ये मैंने बताया स्किन रेडनेस या फिर स्किन सेंसिटिव इन पे यूज करोगे तो आपकी स्किन पर किसी पर कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर मैं इसका बात करता हूँ उसका सही तरीका यूज करने का क्या तरीका है, देखो आपको क्या करना है, इसको नाइट में सोते समय यूज करना, रेगुलर टाइम में इसको नाइट में सोते समय यूज करना, सुबह इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ठीक है। नाइट में सोते समय इसलिए यूज करना क्योंकि काफी टाइम तक हमारी स्किन पर अगर वे लगी रहेगी तो हमारी स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट दिखाएगी, इसलिए इसको नाइट में सोते समय यूज करना, सुबह उठने के बाद एक अच्छा सा सनस्क्रीन यूज करना जिससे हमारी स्किन पे जो रेडनेस या सेंसिटिव वो धीरे धीरे अच्छा तरह से वे मेंटेन हो जाएगी, ठीक है ना गाइस। देखो गाइस अगर मैं सही बताऊं तो ये हमारी स्किन के लिए बेस्ट माने जाने वाली क्रीम है और अच्छा खासा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर।